नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं शिमिता टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे फल के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर इस फल का इस्तेमाल हम रेगुलर करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही तेज़ी से दिखता है। दोस्तों, उस फल का नाम है बनाना, यानी कि केला। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में केले के कई सारे फायदों के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि शायद आप लोग ना जानते हो। दोस्तों, तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों केले में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में। दोस्तों, केले में विटामिन B6 पाया जाता है। दोस्तों, केले में फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों, केले में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों, केले में जो है पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है, केले में कैल्शियम की मात्रा भी सफिशियंट होती है। दोस्तों, तो ये तो थे कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि केले में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि केले का इस्तेमाल कुछ लोग वेट गेन के लिए भी करते हैं, लेकिन शायद आपको ना पता हो कि केले का इस्तेमाल वेट लॉस में भी करते हैं। अगर हम सुबह खाली पेट केले को काट कर उसमें काला नमक डालकर सुबह केले का सेवन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे वेट लॉस के लिए, और वेट गेन के लिए भी केले का इस्तेमाल दूध में डाल कर किया जाता है। जो लोग जो है अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए केला बहुत ही अच्छा होता है, वजन बढ़ाने के लिए भी और वजन घटाने के लिए भी। दोस्तों, केला एक प्रकार का नेचुरल प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक कहने का मतलब होता है ऐसे तत्व जो एंटीबायोटिक के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो केला एक नेचुरल प्रोबायोटिक भी होता है। केला एक स्टमक स्मूदर भी होता है, यानी कि आपके पेट को जो है स्मूथ रखता है। केला जो है लूज मोशन में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन में भी केले का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को लगातार वीकनेस की शिकायत है तो केला उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। केला एक्सटेंट एनर्जी देता है, आपको तुरंत ही एनर्जी देता है। दोस्तों, तो और ये तो बात रही आपकी केले की। दोस्तों, कई जगहों पर केले की मतलब कच्चे केले की सब्जियां ही बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही हेल्दी और ये मेडिसिनल भी होता है। दोस्तों, कई बार डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं कि केले की सब्जी का आप सेवन करें। दोस्तों, कई जगहों पर जो है केले के जो तने होते हैं तने को भी काट कर उसके सब्जियां बनाई जाती हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। दोस्तों, और आखिरी चीज़ लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दोस्तों जो हम केला खाते हैं और केला खाने के बाद उसके छिलके को फेंक देते हैं, दोस्तों हमें पता नहीं होता है दोस्तों कि केले के छिलके में 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। केले के जो छिलका होता है हमें उसका जो है चम्मच से उसको जो उसका इनसाइड वाला पार्ट होता है उसको खुर्च करके उसका हमें खाना चाहिए, उसका हमें सेवन करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि उसमें 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है। दोस्तों, तो और एक चीज़ और दोस्तों, केले साउथ इंडिया में दोस्तों केले के पत्ते पर ही भोजन किया जाता है। दोस्तों, उसके पीछे साइंटिफिक जो लाभ होता है वो ये होता है दोस्तों कि अगर आप केले के पत्ते पर गर्म खाना रख के खाते हैं तो जो उस पत्ते में कुछ एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं वो उन खानों के साथ मिक्स हो जाते हैं जो कि आपके भोजन के थ्रू आपके शरीर में जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके शरीर को लाभ देते हैं, फ़ायदा देते हैं। दोस्तों, तो ये तो थे केले के कुछ लाभ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, जाते जाते मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूँ। दोस्तों, केले में पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों, ये एक प्रकार का नेचुरल प्रोबायोटिक होता है। ये स्मूथ जो है स्टमक स्मूदर होता है, कॉन्स्टिपेशन में इसका अच्छा काम करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है ये, और जो है लूज मोशंस में भी केला बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। दोस्तों, केले का छिलका जो होता है उसको फेंकने के बजाय हम उसके अगर अंदर का पार्ट जो है खुर्च के अगर हम उसका सेवन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि इसमें 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसके तने का और इसके जो है कच्चे केले का भी हम सेवन कर सकते हैं सब्जी बना करके। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है दोस्तों ये। और अगर हम जो है केले के पत्ते पर भोजन करते हैं, गर्म भोजन केले के पत्ते पर परोसते हैं तो इसके उस पत्ते के थ्रू हमें एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आए। दोस्तों, और एक चीज़ और दोस्तों, क्या जाता है आपका सब्सक्राइब करने में भाई साहब? अरे यार, मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो देख के छोड़ कर देते हैं। मैंने देखा है एनालिसिस में मैक्सिमम लोग लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों,
मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि मैं जो भी नए वीडियोस बनाऊंगा उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा घर के दोस्तों। तो आखिर क्या बुराई है भाई साहब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और लोगों से शेयर करें दोस्तों, ताकि ये जानकारियाँ और लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।